सोरेन के इस्तीफे के बाद सोरेन परिवार में बड़ी दरार पड़ चुकी है और ये कहा जा रहा है कि वो बेटी जयश्री के लिए दुमका से टिकट मांग रही थी। जब उनकी मांग नहीं सुनी गई तो बीजेपी में चली गई। अब जेएमएम ने कहा है कि सीता सोरेन ने बिना गुरुजी को कहे परिवार का साथ छोड़ दिया। झारखंड विकास से कोसों दूर है। सीता सोरेन के इस्तीफे से सोरेन परिवार में बड़ी दरार उभर कर सामने आ गई है। जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन के तीन बेटों में से सबसे बड़े बेटे दिवंगत दुर्गा सोरेन की पत्नी हैं सीता सोरेन। उनकी तीन बेटी हैं जयश्री सोरेन, विजयश्री सोरेन और राजश्री सोरेन। शिबू सोरेन की बहू और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन जेएमएम की महासचिव रह चुकी हैं। वो झारखंड विधानसभा में महिला और बाल विकास समिति की सभापति भी रह चुकी हैं। साथ ही जामा सीट से लगातार तीन बार विधायक रह चुकी हैं। पर उन्होंने जेएमएम के साथ साथ विधानसभा सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। अब उन्हें दुमका से चुनाव लड़ाने के कयास लगाए जा रहे हैं। देखिए वो पार्टी प्रमुख तय करते हैं और नरेंद्र मोदी जी का जो जो हमको देंगे, जो भी प्रभार हमको देंगे उनको मैं निभाऊंगी। अपनी उपेक्षा से दुखी होकर सीता सोरेन पहले भी मुखर होती रही हैं। हाल में सियासी संकट के समय जब कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने की बात हो रही थी तब भी उनकी नाराजगी सामने आई थी। फिलहाल वो अपनी बेटी जयश्री सोरेन के लिए दुमका से टिकट की मांग कर रही थी, पर जब कोई फैसला नहीं हुआ तो जेएमएम को झटका देकर वो बीजेपी में शामिल हो गईं। जेएमएम ने कहा कि बिना गुरुजी को कहे सीता सोरेन ने परिवार छोड़ दिया। हम लोगों ने गुरुजी के पास इस बात को पहुंचाया तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है, हम बात करेंगे। मेरे परिवार का मामला, लेकिन तब तक में ये फिर खबर आ गई कि वो भाजपा जा रही। नहीं तो उतना समय हम लोगों को भी मिलना चाहिए था ताकि घर में भी बात हो जाती, पार्टी में भी बातें हो जाती और कोई ना कोई निष्कर्ष भी निकला। सीता सोरेन के इस्तीफे से संथाल परगना में जेएमएम को तगड़ा झटका लगा है तो सीता सोरेन के रूप में बीजेपी को तुरूप का एक इक्का जरूर मिल गया है। दिल्ली से रचना उपाध्याय के साथ रांची से निरंजन की रिपोर्ट। तो बीजेपी में शामिल हो चुकी सीता सोरेन की दुमका सीट से उतरने की संभावना पर जेएमएम ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि सीता सोरेन ने परिवार के खिलाफ षड्यंत्रकारियों से हाथ मिला लिया है, ऐसे में वो क्षेत्र की जनता का सामना कैसे कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि राजनीतिक लड़ाई राजनीतिक तरीके से ही लड़ी जाएगी। देखिए जेएमएम की स्थिति तो बाद की बात है, पहले सीता सोरेन जी की स्थिति क्या होगी आप ये कल्पना कीजिए। वो जिस परिवार की बहू हैं और उसी परिवार के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री, युवा नेता, देश भर में सबसे लोकप्रिय, उन्हें कारावास में डाल दिया गया और जिन लोगों ने यह षड्यंत्र रचा उन षड्यंत्रकारियों के साथ मिल गई सीता सोरेन जी। क्षेत्र की जनता को क्या मुंह दिखाएंगे, क्या जवाब देंगे? तो राजनीतिक रूप से लड़ाई लड़ी जाएगी, लेकिन रिश्ता रिश्ता होता है, उसमें क्या बोलना है। वो परिवार की बहू हैं, आज भी बहू हैं, उस तरह से सम्मान उनका रहेगा, लेकिन राजनीतिक लड़ाई राजनीतिक तरीके से लड़ी जाएगी। तो बीजेपी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें सीता सोरेन के षड्यंत्रकारियों से हाथ मिलाने की बात कही गई है। प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि दुर्गा सोरेन के रहते जिन लोगों की जुबान नहीं खुलती थी आज वही लोग सीता सोरेन को राजनीतिक चुनौती दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जेएमएम को जोर का झटका काफी जोर से लगा है। देखिए भारतीय संस्कृति में जो बड़ी बहू होती है परिवार की उसको माँ का दर्जा मिलता है,
भाई हम तो इनसे मर्यादा की उम्मीद कर रहे थे कि वो कुछ भी मर्यादा रखेंगे। स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी की पत्नी है जो एक आंदोलनकारी थी, और इन नेताओं का मुंह दुर्गा सोरेन जी के रहते खुलता नहीं था, और उनके देहांत होने के बाद उनकी पत्नी को वो चैलेंज दे रहे हैं राजनीतिक रूप से। थोड़ी तो सुचिता बनाकर रखनी चाहिए इनको। और हमारा मानना है ना कि इनको जोर का झटका, बहुत जोर का झटका लगा है, क्योंकि सोरेन परिवार की बड़ी बहू अपने ही परिवार के भीतर षड्यंत्र की बात करके पार्टी छोड़कर चली गई है। तो ये साफ दिख रहा है कि अब परिवार के भीतर भी एक और परिवार हावी हो गया है, और हम इसी परिवारवाद के खिलाफ हैं। और अब हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का एक पोस्ट सामने आया है। उस पोस्ट में उन्होंने क्या कुछ लिखा है, हम आपको वो बताते हैं। हेमंत जी के लिए पिता तुल्य रहे दुर्गा सोरेन। दुर्गा दा के निधन के बाद हेमंत सोरेन राजनीति में आए। उन्होंने आगे लिखा है, सामंती ताकतों से लड़ाई में जेल गए हेमंत सोरेन, झारखंड की तरह लड़ने का रास्ता चुना, तो झारखंड के डीएनए में ही नहीं है झुक जाना। तो ये पोस्ट उन्होंने लिखा है, हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन की तरफ से ये पोस्ट लिखा गया है। आपको बता दें कि जेएमएम का साथ छोड़कर सीता सोरेन अब बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं, और उसके बाद कल्पना सोरेन का ये पोस्ट सामने आया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि हेमंत जी के लिए पिता तुल्य रहे दुर्गा सोरेन, और दुर्गा दा के निधन के बाद ही हेमंत सोरेन राजनीति में आए थे।